नमस्कार, कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। आज बात करेंगे खाने के तेलों पर, जहां पर एक बड़ी खबर आई है। सरकार ने कल एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कहा गया है कि जो एग्जिस्टिंग ड्यूटी रेट्स हैं इंपोर्ट्स को लेकर, चाहे वो क्रूड या रिफाइंड एडिबल ऑयल्स हैं जैसे कि पाम, सोयाबीन और सनफ्लावर, इन सबको एक्सटेंड कर दिया गया है। इसकी मियाद यहाँ पर 31/3/2024 को पूरी हो रही थी, लेकिन अब इसे एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। क्या हो सकता है इसका इम्पैक्ट इम्पोर्ट्स पर और आने वाली जो फसल है उस पर बात करेंगे। साथ ही मोलासेस पर एक्सपोर्ट ड्यूटी यहां पर लगाई गई है 50% की, और इंडस्ट्रीज को काफ़ी समय से मांग भी रही थी, तो इसका भी क्या इंडस्ट्री का रिएक्शन है वो भी जानेंगे। साथ ही बात करेंगे सोने चांदी की, जहाँ पर यहाँ पर एक स्टेबिलिटी अब बनते हुए नजर आई है। डॉलर इंडेक्स में जो हल्की सी गिरावट है उसका फायदा लगातार सोने चांदी ने उठाया है, और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं GGN रिसर्च के मैनेजिंग पार्टनर नीरव देसाई, नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज फेडरेशन के MD प्रकाश नायक नवरे और प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज के फाउंडर्स दिनेश सोमानी। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत हम यहाँ पर खाने के तेलों से कर लेते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री को नहीं लग रहा था कि अगले एक साल के लिए ये ड्यूटी यहाँ पर एक्सटेंड की जाएगी। नीरव, एग्जैक्टली 1 ईयर के लिए इसे अब कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इसे? क्या बाजार इसे एक्सपेक्ट कर रहा था, और अब इसके क्या मायने हैं इम्पोर्ट्स को लेकर? ये बहुत क्लियर रहा है गवर्नमेंट का स्टैंड कि उनका नया इलेक्शन जब तक पूरा नहीं होता है, इन्फ्लेशन इज देयर प्राइम कंसर्न, और इसीलिए हम चाहते थे कि डिफरेंशियल बिटवीन रिफाइंड ऑयल्स एंड क्रूड ऑयल्स बढ़े, बट ये एक चाहना ही है। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को क्लियर था कि गवर्नमेंट बहुत जल्दी इस चीज पे स्टेप नहीं लेगी, मे बी पोस्ट द इलेक्शन जब फार्मर का थोड़ा सोचेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी ऑयल सीड क्रॉप्स MSP के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, अपकमिंग मस्टर्ड यूं बोल दीजिए कि स्लाइटली MSP से बिलो भी ट्रेड कर रहा है, और जिस तरीके से इंटरनेशनल एडिबल ऑयल्स की ओवरऑल अवेलेबिलिटी अच्छी है, कहीं पे भी लोकल डोमेस्टिक ऑयल सीड्स को बहुत ज्यादा अपवर्ड मोमेंटम नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। इसलिए फार्मर का हित देखने के लिए पोस्ट द इलेक्शन शायद सरकार ये चीजें कर सकती है, बट टिल दैट टाइम आई थिंक अनदर 6 months to 9 months कोई भी इन्फ्लेशनरी एक्शन गवर्नमेंट नहीं लेती हुई दिख रही है। नीरव, कोई भी चांस यहाँ पर सरकार लेती हुई नहीं दिख रही है, काफी हद तक हमने सभी कमोडिटीज में आता ये देखा है। हम पहले भी नीरव बात कर रहे थे, और सरसों की फसल अच्छी खासी है, क्रशिंग कमजोर है क्योंकि इंपोर्टेड ऑयल इतना ज्यादा है, इवन एज नवंबर दिसंबर में इंपोर्ट कम हुआ है, बट दैट इज बिकॉज इतना सारा इंपोर्ट हो चुका था। अब जब खाने के तेल आपको कम में ही फिर से आगे मिलने वाले हैं, किस तरह के इंपोर्ट हम इस क्वार्टर में बनता हुआ देखेंगे? सी ओवरऑल मार्केट्स में जैसे कि आपने कहा, ये बहुत सही बोला कि मस्टर्ड का क्रॉप अपकमिंग बहुत अच्छा है, एरिया थोड़ा सा यूपी में अप है, यूपी इज अ लो यील्डिंग एरिया, उसी के सामने राजस्थान में एरिया डाउन है जो कि हाई यील्डिंग एरिया है, बट मैं बोलूंगा ओवरऑल क्योंकि नेट एरिया अप है, सो ओवरऑल एरिया वाइज कॉम्पनसेट कर रहा है राजस्थान का लॉस यूपी के डबल गेन से, बट यील्ड वाइज वेदर बहुत अच्छा रहा है, अभी तक यील्ड की कहीं पे भी कोई कंप्लेन नहीं आई है, सो क्रॉप तो अच्छा रिकॉर्ड है, लास्ट ईयर का भी क्रॉप अच्छा था, नियर टू लास्ट ईयर या स्लाइटली प्लस माइनस ऑफ 2% 3% ऑफ लास्ट ईयर क्रॉप दिख रहा है। साथ ही में हमारा कैरी ओवर स्टॉक बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट के पास ही 10-10.5 लाख टन नाफेड के पास स्टॉक है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री के पास फार्मर के पास मिला के 14-15 लाख टन का स्टॉक है, सो ओवरऑल कहीं पे भी मस्टर्ड में अवेलेबिलिटी वाइज कोई कमजोरी नहीं दिखती है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न किसानों वाइज जरूर रहेगा कि अपकमिंग हार्वेस्ट में इसके प्राइस MSP पे कैसे मेंटेन होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अभी से ही डिप हो रहे हैं। जहां की इंटरनेशनल एडिबल ऑयल्स मार्केट की बात करें तो वहां एक बहुत ही ग्रेजुअल स्लो एंड स्टेडी बॉटमिंग आउट प्रोसेस हम देख रहे हैं, और इस तरह स्लो एंड स्टेडी उसी तरीके से आई थिंक लास्ट 2 से 3 महीने में हम वही रहे, JFM में जो पाम में लगता था वो आज 16 जनवरी को आके लग रहा है कि पाम में हल्की फुल्की सपोर्टिवनेस है, आज ऐसा सिचुएशन हो गया है कि $920-$930 का CPO है और $920 का ही बीन ऑयल अवेलेबल है फरवरी शिपमेंट से लेके अप्रैल शिपमेंट तक का। सो आज रिकॉर्ड सिचुएशन बन गई है जहां की सोया ऑयल और पाम ऑयल दोनों एक प्राइस हो गए हैं, सनफ्लावर ऑयल भी नियरली $915 से $925 के बीच में लास्ट वीक में चल रहा था, इस वीक में $925 से $30 के बीच में चल रहा है,
तो सारे तेल एक ही भाव हो गए हैं। ये चीज का पाम पे थोड़ा सा इम्पैक्ट रह सकता है, बट आई थिंक पाम कहीं ना कहीं ये समझ के ही ये मूव कर रहा है, क्योंकि पाम स्टॉक्स अभी डिप्लीटिंग ट्रेंड पे रहेंगे टिल मार्च अप्रैल एटलीस्ट। वहीं पे सामने साउथ अमेरिकन क्रॉप सिचुएशन में ऐसा है कि ब्राजील में थोड़ा सा लॉस आया है, 58 मिलियन का लास्ट ईयर का क्रॉप के सामने 48, 49 से 50 मिलियन का धारणा है, बट अर्जेंटीना में 22 मिलियन से 28 मिलियन का क्रॉप, 47 मिलियन का क्रॉप धारण है। तो वहीं इन AMJJ बहुत अच्छी रहेगी। सन ऑयल की आई वुड से अवेलेबिलिटी है, बट थोड़ा ब्लैक सी का इशू, पर्टिकुलरली सॉरी ये रेड सी का इशू जो हुआ है हूती अटैक से, इससे उसका वॉयज टाइम बढ़ गया है, फ्रेट बढ़ गया है, और करंट शिपमेंट्स जो हैं, जो जैन शिपमेंट्स थे, वो सारे अबाउट 15 से 20-25 डेज डीले हो गए हैं। तो उसके कारण एक थोड़ी सी फर्मनेस वहां पे रही है, बट आफ्टर ऑल सपोर्टिव न्यूज ऑल्सो मैं बोलूंगा कि एडिबल ऑयल्स बहुत रीजनेबल प्राइस पे हैं, बहुत ज्यादा बड़े अपमूव्स की सिचुएशन नहीं है, सिर्फ टेम्परेली इंडिया में सॉफ्ट्स की थोड़ी सी शॉर्टेजेस हैं, तो इसलिए जी इंपोर्ट मार्जिन्स, रिप्लेसमेंट मार्जिन सॉफ्ट ऑयल्स में। ओके दिनेश तुमानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। दिनेश आपने सुना पूरा कॉन्वर्सेशन, इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसिंग हुई या डोमेस्टिक सप्लाईज की या इम्पोर्ट्स के ट्रेंड्स ही क्यों ना हो, डेफिनेटली जो कदम उठाया गया है वो प्राइसेस को स्टेबल रखने के लिए, अंडर चेक रखने के लिए उठाया गया है। लेकिन आप कैसे देखते हैं यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड एडिबल ऑयल्स की प्राइसिंग को? आपकी चैनल पर देखा था, अनिल जी ने आकर कहा था कि उन्हें बहुत विश्वास था कि गवर्नमेंट ड्यूटी जरूर बढ़ाएगी और इसी के चलते वो मस्टर्ड सीड को काफी सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अभी हालात देखते लगता नहीं कि कोई प्राइसेस में बहुत बड़ी तेजी बन सकती है। सीबोर्ड की भी अगर आप प्राइसेस देखो तो $48 के आसपास वहां का तेल चल रहा है और सोयाबीन भी जो है 12.3 चल रही है, तो मुझे ऐसी बहुत ज्यादा बड़ी लंबी तेजी नजर नहीं आती। हो सकता है शॉर्ट टर्म जो है पुलबैक रिलीज आ जाए, लेकिन तेजी की तो कोई संभावना ही नजर नहीं आती, जबकि इन्फ्लेशन में एडिबल ऑयल बहुत ज्यादा काउंट करता है, साथ ही साथ शुगर भी काउंट करता है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट की दोनों चीजों पर पैनी नजर रहेगी और इनमें प्राइसेस में वृद्धि होने के चांसेस बहुत ही कम नजर आते हैं। बात जानना चाहेंगे, आपने कहा कि यहाँ से प्राइसेस में बहुत बड़ी वृद्धि होती हुई नजर नहीं आती और दिनेश जी ऑन चार्ट्स भी यही मानते हैं कि तेजी अब यहाँ पर खाने के तेलों में नहीं नजर आ रही। जहां तक स्टेक होल्डर्स की बात है, किसानों के लिए एक कैसा कदम रह सकता है? कंज्यूमर्स के लिए ऑफकोर्स अच्छा है क्योंकि भाव नियंत्रण में रहेंगे, लेकिन फार्मर्स एंड इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं आप? नीरव आपको जी बिल्कुल, अगर किसान एमएसपी के हिसाब से अगर तुलवाता है प्राइसेस तो मुझे लगता है उनके लिए तो बेटर अपॉर्चुनिटी, एमएसपी पे अगर प्राइसेस बिकती है तो अच्छा ही होने के लिए, लेकिन फिर भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइसेस ज्यादा बढ़े अगर मार्केट रेट से ज्यादा रहे, जैसे पल्सर्स में अच्छे रेट्स मिल रहे हैं, इडेबल ऑयल में काफी समय हो गया उन्हें अच्छे रेट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनकी अपेक्षा रहेगी कि प्राइसेस ज्यादा बढ़े, बट अभी वो संभावनाएं कम नजर आती है। तो ये तो ऑफ कोर्स खाने के तेलों की बात हुई, लेकिन एक और बड़ी खबर जो नोटिफिकेशन कल सरकार का साथ में आया वो शुगर यानी मोलासेस को लेकर भी आया। हमारे साथ नेशनल कोऑपरेटिव शुगर फैक्ट्री फेडरेशन के प्रकाश नायक नवरे हैं। प्रकाश जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी तब भी हमने ये टॉपिक यहाँ पर अप्रोच किया था और फाइनली अब 50% यहाँ पर ड्यूटी लगती हुई नजर आई है। कितना फायदा इंडिया को हो सकता है जो हम बचाएंगे? आप वन तो आपको क्या कितना लगता है कितना एक्सपोर्ट इसके बावजूद भी होता हुआ नजर आएगा और जो बचेगा उसका कितना फायदा या कितना एथेनॉल बना पाएंगे हम? वेल फर्स्ट ऑफ ऑल सही डिसीजन सही दिशा में अलबेक थोड़ा देरी से हुआ है, लेकिन ये हमें लिए नॉट ओनली फॉर द शुगर इंडस्ट्री बट आई एम सेइंग EBP has been a national priority program. You know that, Manisha. And this decision is going to will definitely help at least to see the possibility of 20% EBP by the end of year 2025. ये अगर notification आने के पहले थोड़ी आशंका थी उसके ऊपर कि भाई ये achieve कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे आप जानते हो इथेनॉल की प्रोडक्शन अलग अलग फीड स्टॉक से होती है, सो शुगर इंडस्ट्री का जहां तक सवाल है एक मेजर कंट्रीब्यूशन हमारा इसमें था, होने की आशा थी और वो आशा के डायरेक्शन में ये डिसीजन सही हुआ है।
अब इससे कितना डायरेक्ट फायदा होगा ये आपका सवाल है। मेरी ख्याल से मोटा मोटा कैलकुलेशन अगर मैंने किया कि मोलेसिस जो सी मोलेसिस किसी और इस काम के लिए इस्तेमाल में पाबंदी लगाई है, यू नो दैट इट इज नॉट इट कैनॉट बी यूज फॉर ईएनए और रेक्टिफाइड स्पिरिट एंड देयरफॉर द होल लास्ट ड्रॉप ऑफ इथेनॉल सॉरी लास्ट ड्रॉप ऑफ मोलेसिस ये इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग में जाने वाला है। तो इमीजिएटली इसका इफेक्ट मेरे ख्याल से 30 to 35 करोड़ लीटर ज्यादा इथेनॉल बनेगी जो बचा हुआ पीरियड है उसमें। और 18 तारीख से ये नोटिफिकेशन जारी है, इसीलिए था कि कुछ एक्सपोर्ट क्वांटिटी पाइपलाइन में है, कुछ पोर्ट में पड़ी है, तो वो निकल जाए और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगा और सारा का सारा मोलेसिस इथेनॉल में इस्तेमाल किया जाएगा। ये सही डिसीजन है। जी प्रकाश जी, जिस तरह से नोटिफिकेशन आया और जैसे आपने कहा कुछ बहुत एक्सपोर्ट यहाँ पर हो ही रहा था, हो भी चुका होगा बिकॉज अलाउड ही था, तो 18 तक भी की अगर बात करें तो ओवरऑल कितना मोलासेस परसेंटेज ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो चुका है और कैसे देखते हैं अब आप आगे जाकर एथेनॉल प्रोडक्शन, जिस तरह से एक काफ़ी कॉन्ट्रडिक्टिंग स्टेटमेंट्स रही हैं कि क्या हम वो टारगेट्स अचीव कर पाएंगे, सरकार का कहना है यहाँ कर पाएंगे, इंडस्ट्री का थोड़ा सा इसमें हेसिटेंट सा व्यू रहा है। हेजिटेंट का सवाल नहीं है, इश्यू ये है कि वी आर ऑल देयर फॉर द नेशनल प्रायोरिटी, नेशनल प्रोग्राम है बायोफ्यूल का। और दिक्कत ये आ रही थी कि बिकॉज ऑफ एल नीनो देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन शुगर प्रोडक्शन महाराष्ट्र और कर्नाटक में, और उसके जरिए चलते कुछ बैलेंस शीट, शुगर बैलेंस शीट की नंबर्स चिंता दर्शन वाली होने वाली थी, हो रही थी। लेकिन एक अच्छी खबर है उसमें कि ये दो राज्य यानी कर्नाटका महाराष्ट्र और इसके साथ यूपी में चीनी की पैदावार बढ़ती नजर आ रही है हमको, भले स्मॉल क्वांटिटी में हो लेकिन 15-20 लाख टन अगर वहां से चीनी ज्यादा बनती है और वो अगर हमें इथेनॉल की तरफ हम बढ़ते हैं और ये जो एक्सपोर्ट होने वाला शीरा था वो अगर रुकवा देते हैं तो मेरे ख्याल से ओवरऑल सिचुएशन अच्छे कंट्रोल में रहेगी। जहां तक आपका सवाल है कि कितना अभी तक एक्सपोर्ट हुआ है उसकी एग्जैक्ट फिगर मेरे पास अभी नहीं है, लेकिन ये पाबंदी लगाई ये बहुत अच्छी बात है। इसकी 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 डिमांड लेके हम सारे एसोसिएशन बहुत दिनों से गवर्नमेंट के पीछे थे। तो प्रकाश जी, फिर एम तो इस मोटिव का यही है कि जो अवेलेबिलिटी है मोलेसिस की वो बढ़े, तो जो डोमेस्टिक डिस्टिलरीज हैं उनके लिए मोलेसिस की अवेलेबिलिटी इस कदम के बाद कितनी बढ़ती हुई दिखाई देगी वर्सेस अगर हम इस डिसीजन से पहले की अवेलेबिलिटी की सिचुएशन की बात करें। देखो अभी तक 55 करोड़ लीटर की इथेनॉल प्रोडक्शन हुआ है कल की तारीख तक, और उसका ईबीपी आता है 10.50 विच इज मच लेसर। एक समय था जब हम कहते थे कि बाय द एंड ऑफ 23 वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड 11%, सही था वो 11.95, 10.95 तक गए थे। लेकिन जैसे ये पाबंदी आ गई शुगर जूस, शुगर केन जूस और सिरप इथेनॉल में इस्तेमाल करने पे, ओनली 17 लाख टन शुगर वाज अलाउड फॉर सब्ज्यूमिंग, तो तब से ये ईबीपी आस्ते आस्ते नीचे आ रहा है और वो चिंता की बात थी क्योंकि यू हैव ऑलरेडी सेट अ टारगेट ऑफ 20% ईबीपी टू बी अचीव बाय द एंड ऑफ 25, और आज की तारीख में 24 में अगर आप 11 के इर्द गिर्द भी नहीं है, 10.5 तक ही रुके हैं, तो ये चिंता की जरूर बात थी। लेकिन ये डिसीजन के बाद मुझे लगता है कि 30 to 35 करोड़ लीटर मोर इथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस वाया शुगर रूट। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की तरफ से ग्रेन को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है, भले उनकी इश्यूज है, देर आर इश्यूज ऑन ग्राउंड, बट मेज कॉर्न जिसको कहते हैं इसको काफी बड़े पैमाने पे बढ़ावा दिया जा रहा है, और कॉर्न की जैसी उपलब्धता हो जाएगी मेरे ख्याल से ग्रेन प्लस शुगर, शुगर रिलेटेड फीड स्टॉक हो सकता है कि हम लोग 25 के एंड तक 20% अचीव करने में कामयाब हो जाए। प्रकाश जी, जस्ट एक बार वो समराइज करने के लिए, आप कह रहे हैं कि 10.5% एज ऑफ नाउ हम एथेनॉल ब्लेंडिंग देख रहे हैं। जी अभी अभी तक तो हुआ है। और इस साल में 12-15% करने की बात चल रही है। नहीं, इस साल का टारगेट 24 का जरूर था 15%। इफ आई गो सम डेज बैक बिफोर दिस, तो 11% वाज टू बी अचीव्ड बाय द एंड ऑफ 23, और बाय द एंड ऑफ 24 वो 15% का टारगेट था। तो
कम से कम उस तरफ एक कदम बढ़ रहा है, पता नहीं अभी 15% इस साल होगा नहीं, लेकिन द एंड टारगेट इज 20% बाय द एंड ऑफ 25. एक क्विक क्वेश्चन एक और प्रकाश जी, जिस तरह से बात की जा रही है, जैसे गवर्नमेंट ने भी कहा था कि एक बार ये पॉलिसी सेट कर दी गई है लेकिन जैन में रिव्यू होगा, फेब में रिव्यू होगा, जनवरी की जहां तक की बात है, क्या एसोसिएशंस यहां पर सरकार के पास जा रही हैं शुगर प्रोडक्शन रिव्यू करने के लिए? हाँ, फूड सेक्रेटरी उन्होंने खुद पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हर 15 दिन में हम लोग इसको रिव्यू करेंगे. 15 दिन कल खत्म हुआ, 15 जनवरी को आज हम मिल रहे हैं. आज किसी और दूसरी वजह लेके हमारी मीटिंग हो रही है कृषि भवन में, तो वहां ये मुद्दा हम जरूर उठाएंगे और उसमें उनका ध्यान आकर्षित करेंगे कि भाई रिव्यू लेने की टाइम आया है और एक पॉजिटिव सिग्नल फील्ड से भी आ रहा है कि चीनी की पैदावार ज्यादा हो रही है. देखते हैं, कोशिश करते हैं. देखिए, हमारी कोशिश यहाँ रहेगी कि सेकेंड ट्रेंच इथेनॉल का आना चाहिए जी. हाँ, क्योंकि काफी दिक्कतें फील्ड में आ रही है और इसके लिए कम से कम 8.5-9 या 10 लाख टन चीनी जूस एंड सिरप इथेनॉल में इस्तेमाल करने के लिए सेकेंड ट्रेंच आ जाता है तो कुछ हद तक हमें राहत मिल सकती है. ओके. चलिए, शुक्रिया प्रकाश जी आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर और अपने व्यूज देने के लिए, समझाने के लिए क्या असर इस मूव का हो सकता है. तो सरकार ने 50% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है मोलेसिस पर. डेफिनेटली जो टारगेट्स हैं, जो पर्पज है, वो उसको अचीव करने में इस कदम के बाद डेफिनेटली हेल्प मिलेगी. चलिए, रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए. ब्रेक के उस पर फोकस करेंगे स्ट्रैटेजीज पर. दिनेश तुमानी हमारे साथ बने हुए हैं. चलो वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद. आज एक मोटी राउंडअप और हमारे साथ दिनेश तुमानी बने हुए हैं प्रो इंटेलिजेंट सर्विसेज से. फोकस करते हैं स्ट्रैटेजीज पर. दिनेश जी, पहले तो बताइए, एग्री नॉन एग्री दोनों ही पैक से कुछ ट्रेडिंग कॉस्ट जो आपने आइडेंटिफाई की है. जी बिल्कुल, आज अगर मार्केट देखो तो मतलब लश ग्रीन लग रहा है. जीरा भी 4% के सर्किट पर है, टर्मरिक भी 13,900 के पार चल रही है और धनी में भी 2% की तेजी आ चुकी है. वार में भी एक मोमेंटम बना हुआ है. ओवरऑल एग्री पैक काफी अच्छा लग रहा है. बट नीचे से अगर देखते हैं तो हल्दी में ऑलरेडी 1200 रुपए की तेजी आ गई है. मुझे लगता है 14,000 के आसपास एक बार थोड़ी सी रुकावट लगती है. बट आज के लिए अगर कोई बेस्ट पीक बाय करना चाहे तो मेरा इशारा होगा धनिया की तरफ. अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट 7740-7760 के आसपास बाय किया जा सकता है और आने वाले 1 से 2 हफ्ते में मुझे लगता है 8140 अपसाइड, मुझे लगता है 7600 का ये बेस बना चुका है. धनिया इज द बेस्ट पिक टू बाय एज ऑफ नाउ. और ग्वार अगर मैं कहूंगा कि फरवरी कॉन्ट्रैक्ट 5510-5520 के दायरे में आती है तो एक बढ़िया मौका रहेगा खरीदारी करने का. 5640 का अपसाइड पोटेंशियल और 5440 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है. जबकि अगर नॉन एग्री के पैक कहूं मैं तो मुझे लगता है कि क्रूड एक रिंग बाउंड एक्टिविटी है. 6000 के अंदर अगर क्रूड मिलता है तो 6000 के अंदर का क्रूड बाय करना चाहिए. 5920 एक बहुत बढ़िया बेसलाइन सपोर्ट है. 5920 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस को ऑब्जर्व करके दोबारा 6140-6220 के लेवल हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं. बेस मेटल्स में रिंग बाउंड एक्टिविटी है लेकिन सिल्वर एक बेहतरीन लेवल पर है. 72250-72300 के रेंज में सिल्वर बाय की जा सकती है. 73600 का टारगेट और 71700 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है. ओके. साथ ही दिनेश जी, नेचुरल गैस पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? 244 एक मेजर सपोर्ट है. एज लॉन्ग एज 244 होल्ड करता है मुझे लगता है 281 दोबारा देखने मिल सकता है. 254-255 के लेवल्स है बाइंग करने के. 244 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके 281 का टारगेट इसमें निश्चित तौर से देखा जा सकता है. तो ये रही आपके लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज. नेचुरल गैस जहां पर आज हरे निशान में कारोबार हो रहा है. कल हमने गिरावट देखी थी. कच्चे तेल में खरीदारी की कॉल ले सकते हैं. 6015 के मौजूदा लेवल्स हैं. 6100 उसके बाद 6200 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की सलाह है. चलिए, शुक्रिया दिनेश जी शो में आने के लिए और अपने रिकमेंडेशन शेयर करने के लिए. इसी के साथ मुझे मनीषा जी को दीजिए इजाजत. ब्रेक के उस पर आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन. सुमित मल्होत्रा के साथ नमस्कार.